ओम शांति। आज की तारीख है 21/12/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो, तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। प्रश्न है, किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भावी, किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भावी कहे चुप हो जाते हैं। उत्तर है, बच्चे जो बहुत समय तक शिव पिता की पालना ले फिर माया के वश हो जाते हैं, शादी करके कहाँ कहाँ चले जाते हैं, आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, तो बाप ड्रामा की भावी कहे चुप हो जाते हैं। बाप जानते हैं कि यह भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, बाप को होना रहता है। बच्चे किसी के नाम रूप में नहीं फंस जाए, माया बहुत विघ्न डालती है, इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं है, तुम्हें शिव पिता की याद से विजयी बनना है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, शिव पिता की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया और देह को भूल आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। नंबर दो है, हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, इस नशे में रहना है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव, कि जैसे ये शरीर श्वास के बिना रह नहीं सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से, श्रेष्ठ वृत्ति से और श्रेष्ठ कृति से सेवा करते रहो। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता तो मनसा सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।